नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और इस वक्त बता रहा हूं आपको कि लालू यादव बीमार हैं, उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है, सीसीयू में भर्ती हैं और उनका इलाज के लिए लगातार जो है वहां पर राबड़ी देवी मौजूद हैं और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके साथ हैं, मीसा भारती भी हैं साथ में। लेकिन इस बीच जहाँ लालू यादव की स्वास्थ्य खराब है, उनका इलाज चल रहा है, सारे लोग दुआ कर रहे हैं, इस बीच आरजेडी कार्यालय में नाच गाना हो रहा है। जी हाँ, आज कर्पूरी जयंती है और कर्पूरी जयंती के मौके पर तमाम पार्टियां जो अति पिछड़ों को लुभाने के लिए तरह तरह की कवायदे प्रोग्राम कर रही हैं, तो आरजेडी की तरफ से भी प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें नाच गाना भी चल रहा था। तो ये सब कुछ जो है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सामने हो रहा था। जगदानंद सिंह जो लगातार अनुशासन के लिए जाने जाते रहे हैं, माने जाते रहे हैं और लोगों को लाइन में खड़ा कराकर माल्यार्पण करवाते रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं को भी लाइन में खड़ा करवाते रहे हैं, पर आज इस मौके पर शायद वो भूल गए कि आज लालू यादव बीमार हैं, उन्हें दिल्ली ले जाया गया है, रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स पहुंच गए हैं लालू यादव, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, पर नाच गाना उस बीच चल रहा है आरजेडी के अंदर। तो ये बातें, ये तस्वीरें सामने आई तो मांझी ने भी सुना दिया है आरजेडी को और बताया है कि क्या हकीकत है आरजेडी के अंदर। और साथ ही साथ एक और भी मुद्दा है जो मांझी बता रहे हैं अपने ट्वीट में कि तेज प्रताप यादव को भी भुला दिया गया। दरअसल खबरें ये भी आई कि जो कार्यक्रम आयोजित था आरजेडी कार्यालय में, उसमें तेज प्रताप यादव के लिए कुर्सी नहीं लगाई गई, सीट नहीं लगा उनके लिए। तो ये दोनों मुद्दों पर मांझी ने अब आरजेडी को आड़े हाथ लिया है और जमकर सुनाया है। क्या कुछ कह रहे हैं मांझी, पहले आपको बताते हैं। मांझी ने लिखा है ट्वीट करके, लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उनके बेटे तेज प्रताप यादव को मंच पर जगह तक नहीं दी गई, यह आरजेडी का आंतरिक मामला हो सकता है। तेज प्रताप यादव के मामले की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है आरजेडी का आंतरिक मामला हो, पर आगे मांझी जो लिखते हैं वो उन पर जो है आरजेडी पर बड़ा हमला है। तो मांझी ने आगे लिखा है, पर लालू जी जैसे जन नेता के बीमार होने के बावजूद उनके पार्टी द्वारा इस तरह का नाच गाने का कार्यक्रम कराना गंदे मानसिकता को दर्शाता है, शर्मनाक। मांझी शर्मनाक बता रहे हैं इस बात को, इस नाच गाने को, और कह रहे हैं कि लालू यादव जैसे जन नेता बीमार पड़े हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनका पूरा परिवार परेशान है, इस बीच आरजेडी नाच गाना करवा रही है, शर्मनाक है ये। वीडियो भी उन्होंने साथ ही साथ अपने ट्वीट के साथ वो वीडियो भी अटैच किया है जिसमें नाच गाना चल रहा है आरजेडी कार्यालय में। तो आप तस्वीरें देखिए और मांझी जी जो कह रहे हैं उसको समझिए। वहीं दूसरी तरफ कर्पूरी जयंती के नाम पर जिस तरीके से राजद कार्यालय में नाच गाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया वो निंदनीय है। ऐसे शर्मनाक कार्यक्रम के लिए राजद नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत को लेकर के पूरे बिहार में प्रार्थनाएं हो रही है, दुआ हो रहा है, और दूसरी तरफ उनके ही दल के नेता उनके ही पार्टी कार्यालय में नाच गाने का कार्यक्रम करा रहे हैं जिससे बिहार की जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उसके लिए राजद नेताओं से को माफी मांगनी चाहिए। क्या किस मतलब कि बड़ा हमला बोला है मांझी ने, आरजेडी को उसकी भूल का एहसास कराया है। आरजेडी में जगदानंद सिंह, खास करके जगदानंद सिंह मंच पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अनुशासन की बात करते रहे हैं। तो ये आखिर कैसा अनुशासन कि एक तरफ उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार पड़ा हो, उसका इलाज सीसीयू में चल रहा हो, यानी क्रिटिकल केयर यूनिट, मतलब स्थिति उनकी सही नहीं है तभी सीसीयू में उनका इलाज किया जा रहा है, तमाम तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इस बीच नाच गाना चल रहा है आरजेडी के अंदर। तो मांझी ने
आरजेडी को एहसास करा दिया है और बता दिया है कि ये शर्मनाक है इस तरह की जो इस तरह का काम कराया गया आरजेडी के अंदर, आरजेडी के पार्टी कार्यालय के अंदर। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर जिस तरह से सियासत बिहार में हर साल गर्म होती है, पर आरजेडी ने इस मौके पर नाच गाना जो करवाया वो शर्मनाक है। आरजेडी को इससे बाज आना चाहिए था क्योंकि लालू यादव बीमार हैं। तो अगर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं मांझी का बड़ा हमला है आरजेडी के ऊपर। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।